बिहार के मुजफ्फरपुर में थ्री टाइमर बम के साथ जावेद नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। साथ ही उमेर से हो रही है पूछताछ, एटीएस भी जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाने इलाके में शराब के छापेमारी के दौरान बिहार पुलिस को 11 फरवरी को लॉस में किरदार के रूप में रह रहे जावेद अहमद के कमरे से तीन टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस बम जैसे सामानों की बरामदगी हुई थी। अभी तक की जांच में जावेद अहमद से पूछताछ में टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक बम जैसा जो सामान बनाया गया था उसे बम निरोधक दस्ता द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया है। अब उससे कोई खतरे की संभावना नहीं है। प्रारंभिक जांच में उसमें पटाखे का बारूद पाया गया था। उसमें किसी तरह का स्विच डेटोनेटर या कोई स्प्लेंडर नहीं मिला है जो एक घातक बम के रूप में नहीं है। हालांकि FSL की टीम को भेजा गया है, विश्लेषण के बाद आगे और जानकारी मिलेगी। प्रथम दृष्टया लगता है कि डराने के उद्देश्य से इसमें घड़ी लगाकर बम जैसा स्वरूप बनाया गया है, लेकिन इसका असली मकसद क्या है पुलिस अभी तक जांच कर रही है। जो तीन बम मिले हैं उसमें दो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है और एक सुई वाली घड़ी मिली है जिसकी जांच हो रही है। जावेद का भाई जैके, जिसका पुराना इतिहास रहा है और यह नशीली पदार्थों की भी तस्करी के इंजाम में जेल जा चुका है। जावेद ने बताया कि उसका भाई जैकी है, उसने यह समान पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है। जावेद ने बताया कि उसका भाई जैकी यह सब सामान दिया था रखने के लिए, दो झोला दिया था, उसमें एक में बम जैसा सामान था और दूसरे झोले में स्मैक मिला था। तो अभी जैकी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसी क्रम में आसपास के इलाकों में छापेमारी हुई तो उसके पास में रहने वाले उमर को पकड़ा गया है जो हेरा फेरी का काम करता था। गांजा तस्करों के खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही थी उसी क्रम में मिठनपुरा थाना के तीन कोठिया मोहल्ला इलाके में स्मैक जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी और व्यापार से संबंधित जो सूचना प्राप्त हुई उसमें 11 फरवरी को छापामारी के क्रम में एक लॉज था, उसमें किराएदार के रूप में रह रहे जावेद अहमद के कमरे की तलाशी के दौरान मादक पदार्थ तो मिला ही, साथ ही तीन टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस बम जैसे सामानों की बरामदगी भी की गई। उस क्रम में अभी तक की जो अनुसंधान है मैं आपको बता दूं, इस क्रम में जावेद अहमद को हमने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ हुई है। बरामद टाइमर युद्ध इलेक्ट्रॉनिक बम का जो भी बम जैसा उसमें सामान बनाया गया था उसकी हमारे बम निरोधक दस्ता द्वारा उसको विनष्टीकरण कर दिया गया, तो अब वो सेफ है, अब उससे कोई खतरे की संभावना नहीं है। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये जो पटाखे का बारूद है वो पाया गया है, उसमें किसी भी तरह का स्विच या डेटोनेटर या ऐसा कोई स्प्लिंटर नहीं मिला है जिससे कि ये वास्तव के बम के रूप में और बहुत ही घातक बम के रूप में प्रयोग हो सके, ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को अब ये भेजा गया है और सही तरीके से उसकी और भी विश्लेषण के बाद में उससे जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें घातक बम में प्रायः डेटोनेटर या स्विच या ऐसे कील कांटे और ऐसे पदार्थ भर दिए जाते हैं जिससे विस्फोट होने पर वो फट जाए। इस बम में जो पाइप लगा था वो भी PVC पाइप था, अगर वो लोहे का पाइप होता तो उसको फटने से कोई नुकसान हो सकता है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि डराने के उद्देश्य से इस प्रकार से इसमें घड़ी लगा करके इसको बम जैसा स्वरूप बनाया, परंतु इसका असली मकसद क्या है इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। जो दो तीन बम मिले उसमें दो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है और एक सुई वाली घड़ी मिली है, तो हम सब चीजों की जांच कर रहे हैं। उस क्रम में ये पता चला कि जावेद का भाई जैकी, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, और ये स्मैक और बाकी सेवन में कई कांडों में वांछित रहा है, उसकी अभी जांच कर रहे हैं हम लोग, अनुसंधान में रिकॉर्ड मिला रहे हैं, पर पूछताछ में ऐसी बात पता चली। जावेद ने क्या बताया सर? जावेद ने जो बताया वो ये बताया कि इसका भाई जो जैकी है उसी ने ये सामान दिया था रखने के लिए और वो झोले में रखा था। वो झोले में दो झोले थे, एक झोले में इस तरह का बम जैसा सामान और दूसरे झोले में स्मैक मिला था। तो अभी जैकी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, हम लोग उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में उस उमेर को पकड़ा गया जो कि एक फेरी का काम करता है, बुलंदशहर UP का रहने वाला है।
उमेर से भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा बुलंदशहर पुलिस और बाकी सहयोग से भी वहां भी छापेमारी की गई है, परंतु उस घर पर भी बुलंदशहर पर भी कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में जो करीब 600 ग्राम स्मैक और जो ठोस पदार्थ मिला है, 100 स्मैक की पुड़िया मिली है, 5 कारतूस का खोखा भी मिला है और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और जो बम जैसा सामान मिला है वो 3 मिले हैं, 4 मोबाइल फोन भी मिले हैं। इस क्रम में जो कांड दर्ज किया है उसमें हमने एनडीपीएस की धारा लगाई है, यानी जो मादक पदार्थ की धारा है, हमने उसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी लगाया है और हमने उसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया है, चूंकि कारतूस के खोखे भी मिले। अब जो हमारे पास में एक व्यक्ति गिरफ्तार है उसकी जो पूछताछ है उसके आधार पर और जो मोबाइल फोन है उनके आधार पर आगे विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस की टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, जैसे ही कोई उपलब्धि होगी हम आपको बता देंगे। क्या इसको जम्मू कश्मीर को कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में हमारी एटीएस की टीम भी वहां जांच कर रही है और जो भी एजेंसी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी हम उनसे तहकीकात भी कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं और आगे फॉलोअप एक्शन भी कर रहे हैं। ऐसा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, मैंने आपको वो सूचनाएं दी जो वेरीफाइड है जहां तक हमारी सूचना आगे बढ़ी। तीनों धाराओं में केस दर्ज हो गया और गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है, बाकी जो पूछताछ में चीजें आई हैं उसका भी वेरिफिकेशन हो रहा है राज्य के अंदर राज्य के बाहर दोनों जगह हमारी टीमें काम कर रही। जैसा आपको बताया बुलंदशहर भी गई थी, लेकिन वो जो तीसरा व्यक्ति है वो अभी फेरी करने वाला बताया गया, फेरी करने के क्रम में उसके जम्मू कश्मीर या साउथ के कई राज्यों में या बिहार में भी पहले आने जाने की सूचना मिली है, उस पर भी हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी कोई लिंक नहीं आया है और ये जल्दबाजी होगी कुछ कहना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अनुसंधान नहीं, एनआईए की जांच स्वतंत्र होती है, उसकी कोई सूचना मुझे नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह नशाबंदी को सफल बनाने के क्रम में जब छापेमारी हुई उसमें ये सारी बरामदगी हुई और उसी क्रम में मैंने आपको बताया कि किस तरह से बिहार पुलिस के द्वारा अन्य राज्यों में जाकर के भी हम लोग कर रहे हैं। सर सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्पेशल ब्रांच या किसी सीआईडी की तरफ से किसी तरह कुछ सूचना आप लोग मैं आपको दो और महत्वपूर्ण जानकारी